नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एसी को लेकर। सर्दी समाप्त होने के साथ ही पूरे देश में के साथ साथ बिहार में भी गर्मी की शुरुआत हो गई है। ऐसी स्थिति में अब बाजार में एसी, कूलर और पंखे की मांग बढ़ गई है। साथ ही साथ लोग अब घर में रखे हुए कूलर और एसी को रिपेयर करना भी शुरू कर दिए हैं। पंखे तो लगभग घरों में शुरू ही हो गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग अब कूलर और एसी की तरफ भागने लगे हैं। अगर आप भी एसी और कूलर खरीदना चाह रहे हैं तो इस खबर को आखिरी तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एसी खरीदने में आसानी होगी। अगर आप एसी खरीदने के लिए बाजार पहुंचे हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से स्टार का एसी खरीदना फायदेमंद होगा। इसके बाद आप एसी का सही तरीके से चुनाव कर पाएंगे। आगे हम आपको यह बताएंगे कि एसी में 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग क्या होता है और आप इसका लाभ भी जान सकेंगे। साथ साथ यह बिजली बचाने में कितना मददगार होगा, तो आइए आपको बताते हैं एसी रेटिंग के बारे में। बता दें कि एसी की स्टार रेटिंग के अनुसार उसकी क्षमता, उसकी दक्षता को दर्शाता है। यह कूलिंग क्षमता को भी दर्शाती है, यानी कि अधिक स्टार रेटिंग की एसी बिजली की कम खपत करती है। बता दें कि एसी बनाने वाली कंपनी 3 स्टार या फिर 5 स्टार रेटिंग वाली एसी की बिक्री करती है। आपको बता दें कि स्टार रेटिंग 1 से लेकर 5 तक की तय होती है। तो आइए अब एक एक पॉइंट से समझते हैं 3 स्टार और 5 स्टार एसी के बारे में। 3 स्टार रेटिंग की तुलना में 5 स्टार रेटिंग की एसी कूलिंग क्षमता अधिक होती है। 3 स्टार रेटिंग की तुलना में 5 स्टार रेटिंग की एसी कम बिजली की खपत करती है। अगर हम इन दोनों 5 स्टार और 3 स्टार की बिजली खपत की बात करें तो 3 स्टार में 1.5 टन एसी में आमतौर पर 1450 वाट की खपत प्रति घंटे होती है, जबकि 5 स्टार में 1600 वाट की खपत होती है। मान लिया जाए आप रोज 8 घंटे एसी चलाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 30 दिन में 240 घंटे हुए। 5 स्टार एसी के प्रति महीने बिजली खपत 1450 गुना 240 बटा 1000 अगर हम करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है वो है 348 यूनिट। वहीं अगर हम 3 स्टार एसी की बात करें तो इसमें 1600 गुना 240 बटे 1000 यानी कि हुआ 384 यूनिट। इस दोनों के बीच का अंतर हुआ 36 यूनिट। अगर हम इस यूनिट को 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, जो कि अभी लगभग बिहार के सभी जगहों पे ये स्थिति है, 8 रुपये या 8.5 रुपये जो भी है, हमने 8 रुपया माना है, इस हिसाब से जो अंतर होता है दोनों के बीच का वो है 288 रुपये। अब तक हमने इन दोनों एसी के बीच में बिजली खपत के बारे में जाना, अब हम जानते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि 5 स्टार एसी के बारे में इसकी शुरुआती जो कीमत वह 45,000 रुपये है, जबकि 3 स्टार एसी की शुरुआती कीमत जो है वह 35,000 रुपये। इन दोनों के बीच का अंतर हुआ 10,000 रुपये। वहीं अगर आप एसी को 16 से 18 घंटे चलाते हैं या फिर आप 6 से 8 घंटे चलाते हैं तो आपको 3 स्टार एसी खरीदना चाहिए। यानी कि ये तय है कि अगर आप एसी को कम समय के लिए चलाते हैं, यानी कि 6 से 8 घंटे चलाते हैं, तब आपको जो है 3 स्टार एसी खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप लंबे समय तक एसी चलाते हैं तो आपको 5 स्टार एसी खरीदने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप कम समय के लिए एसी चलाते हैं तो आपको 3 स्टार खरीदने की ज़रूरत है, और अगर आप लंबे समय तक खरीदते हैं तो आपको 5 स्टार खरीदने की ज़रूरत है। क्योंकि बिजली खपत के मामले में अगर हम पूरे कैलकुलेशन को देखेंगे तो जो है मात्र कुछ ही का अंतर होता है। ऐसे में जो है 3 स्टार एसी जो है आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो कब? जब आप कम समय के लिए एसी चलाते हैं। लेकिन जब आप लंबे समय के लिए एसी चलाते हैं, 16 से 18 घंटा अगर आप एसी चला रहे हैं, तब जो है आप 5 स्टार रेटिंग की एसी खरीद सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।